हनुमान जन्मोत्सव 2024 में 23 अप्रैल को है। इस दिन बल, बुद्धि और विद्या का वर देने वाले बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जयंती के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में चलिए आपको बताते हैं। इस बार हनुमान जयंती के दिन मंगलवार है और माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार के ही दिन हुआ था, इसलिए साल 2024 की हनुमान जयंती को खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार हनुमान जी का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। साल 2024 में पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल को 3:25 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को सुबह 5:18 तक रहेगी। वहीं उदया तिथि के हिसाब से हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त 23 अप्रैल 2024 को सुबह 4:21 से 5:05 तक। हनुमान जयंती पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:02 से 10:40 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:46 तक। अब चलिए आपको बताते हैं कि हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा कैसे करें। हनुमान जन्मोत्सव के दिन व्रत रखने वाले हैं तो आपको एक दिन पहले से ही इस व्रत की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक दिन पहले आपको मांस मदिरा जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप बजरंग बली की पूजा कर सकते हैं। वहीं पूजा करने से पहले पूजा स्थल की सफाई आपको करनी चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। इस दिन सरसों के तेल से दीपक जलाएं। पूजा में आप सिंदूर चोला हनुमान जी को अर्पित करें। वहीं आपको बता दें कि हनुमान जी को जब आप चोला चढ़ाएं तो उसमें चमेली का तेल मिलाकर उन्हें चोला चढ़ाएं, साथ ही फूल और फूलों की माला अर्पित करें। वहीं हनुमान जी को एक साबुत पान का पत्ता चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। इसके साथ ही सुंदरकांड और हनुमान नाष्टक का पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में आपको हनुमान जी की आरती जरूर करनी चाहिए। इसी तरह आप शाम के समय भी हनुमान जी की पूजा जरूर करें और इसके बाद प्रसाद वितरण करके व्रत समाप्त करना चाहिए। इस दिन प्रसाद के रूप में गुड़, चना या फिर बूंदी के लड्डू आपको बांटना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।